लोग अक्सर मुझसे एक बात बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक आदमी ने बोला मेरे पास समय नहीं है, तो मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूं कि तेरे पास समय बहुत कम बचा है, समय नहीं है। कमाल की बात है सर। आपको मिलते हैं लोग कि नहीं मिलते हैं? ना, आई विश आई हैड मोर टाइम, काश मेरे पास कुछ ज्यादा समय होता। चल तुझे 26 घंटे दिए एक दिन में, क्या उखाड़ लेगा बता? किसी को 26 घंटे दे दे, अगर कोई 24 में कुछ नहीं कर रहा तो 26 में क्या करेगा मुझे बताओ? कुछ नहीं। टाइम नहीं है, गॉसिप करने का टाइम है, पिक्चर बजाने का टाइम है, मैच देखने का टाइम है, अगल बगल बकवास करने का टाइम है, हर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करने का टाइम, नेस्विस में काम करने का टाइम, अपने ऊपर काम करने का टाइम। एक आदमी का टाइम नहीं है, तो मैंने कहा फिर तो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। टाइम में पहले जितने में उतने में खुश रहो, बात खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं गलत, जितना है उसी में करना। अरे 86,400 सेकंड तो भगवान ने सबको दिए, इसी 86,400 सेकंड में चांद मंगल पे पहुंच गए लोग, तू कह रहा साले टाइम नहीं? 52 पत्ते एक ताश में होते, मैंने कहा बराबर वही पत्ते सबको बांटे जाते हैं। कलाकार आदमी 10 में से 8 बाजी जीतता है, उसको तकलीफ नहीं आती कौन से पत्ते हैं, उसको पता है जो आए उनसे खेलना कैसे है। रोता थोड़ी रहेगा पत्ते अच्छे नहीं आए जी, पत्ते हमारे तो किस्मत खराब है जी। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, टाइम सबके पास वही है यार, तुम्हारे पास भी वही 24। कदर करना समय की। देखो कहते हैं कि दो तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी यार। बेटर है कि सांड की तरह 10 बजे तक सो रहे हैं। बीवी कह रही है उठ उठ, कोशिश भी कर रही है देख लो चला ही नहीं गया हो कहीं, नाक पे हाथ भी, ऐसा सांड बन के सोया है। आप देखो लोगों को आदमी की दिनचर्या बता देगी कि जिंदगी में कहां जाएगा। 9 बजे तक सो रहा है, संडा का संडा। हाँ आप देखो, और ऐसा नहीं कि 2 बजे आया कहीं से काम करके, सोया भी 10 बजे था रात में। 12 घंटे की नींद चाहिए इस कमीने को। मैं बता दूं आप, देखो मैं बता दूं, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। ये कभी भी संडे की तरह इसकी कदर करना यार, ये बहुत शॉर्ट है यार, ये बहुत शॉर्ट है। आधा जिंदगी में बार बार कहता हूं जा चुका है, हाफ ऑफ द लाइफ हैज बीन गॉन। इंटरवल से पहले का पिक्चर खत्म हो गया यार। मन करता है कि बहुत बोलूं, समय बहुत कम है यार। सपोज करो तुम्हारे पास एक जुजुका टाइप मैजिकल वैंड हो, होता ना डोरेमोन, डोरेमोन डोरेमोन मेरे पास तो इतना अच्छा था जो ऐसे देखा, तो कुछ ऐसा मैजिकल वैंड है और आपको एक विश मिल जाए कि आप जो चाहें गाड़ी खरीद सके। ध्यान से सुन रहे, आपकी एक विश पूरी हो, आप जो चाहे गाड़ी खरीद सके, महंगी से महंगी, सारी की सारी फैसिलिटीज हो, आपकी पसंद की हो, आपके कलर की हो, जो आप कलर चाहें, बढ़िया से बढ़िया। लेकिन एक कंडीशन हो कि जिंदगी में आपको दूसरी गाड़ी कभी नहीं मिलेगी। आज एक गाड़ी मिल जाए, आप जो चाहो, जिस कलर की चाहो, जो फैसिलिटीज चाहो, लेकिन कंडीशन यह है कि जिंदगी में दोबारा कभी गाड़ी नहीं ले पाओगे। मेरा सवाल आपसे यह है, उस गाड़ी को कैसे रखोगे? कैसे रखोगे? बहुत एहतियात से, क्योंकि एक ही बार मिली है तो ये भी एक ही बार मिला है। और ध्यान रखोगे एक और चीज का, सबसे बड़ा ध्यान किस चीज का रखोगे जानते हो? गलत हाथों में ना चली जाए, गलत हाथों में ना चली जाए। क्योंकि तुम अपनी गाड़ी को कैसे चलाओगे और कोई और कैसे चलाएगा, उसमें जमीन और आसमान का फर्क। जो तुम केयर कर सकते हो वो दूसरा केयर नहीं करेगा। आप लात, वो तो स्पीड ब्रेकर पे साला उछालेगा, अब आया मौके में कहेगा, अब आया काबू साला, अब आ तू। सर कदर करना समय की, नहीं तो समय आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हालांकि मेरे पास बहुत कुछ था इस बात को करने का, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं इस पर और बात करूं।
ध्यान रखना, जिंदगी कभी देती नहीं है यार, बस लौटाती है जो आप उसको देते हो। जिंदगी देगी कभी भी नहीं, लौटाएगी उसी अनुपात में जिस अनुपात में तुम उसको देने वाले। लाइफ विल पे द प्राइस यू आस्क, आप जो बोलोगे वो मिलेगा, लेकिन मांगना आपको ही पड़ेगा।